After the recording start. Yeah, now please put your attendance again. Okay, good. So Suraj and Samir, you both are present here. And I hope you remember that we have started the chapter that is functions. Correct? Samir, you are not continuously present. What is the reason? You are not attending the class regularly. What is the reason? Suraj is present daily. Sankalp is present. Arya is present. You are not present daily in at least maths 2 class and physics class. The two classes that I take. Is there any particular reason, Samir? Please put your reason into the chat box, okay? Okay, net connection problem was there. Okay. So get your problem sorted. ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करो जिससे कि तुम्हारे पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना. ओके, सो टुडे कंप्यूटर इज अनअवेलेबल. ओके, एंड वी हैव टू कैरी ऑन विथ आवर मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग ओनली. सो आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन. आई होप इट इज विजिबल टू यू. या प्लीज एवरीवन लेट मी नो. या गुड, विजिबल. सूरज इज सेइंग विजिबल एंड समीर इज ऑल्सो सेइंग सेम. ओके गुड. सो नाउ लेट्स गो टू योर टेक्स्ट बुक एंड टू द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न टूडे. ओके, सो लेट मी जस्ट गो टू द टॉपिक. सो वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इफ यू रिमेम्बर. ठीक है, सो नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द लॉगरिदमिक फंक्शंस. सो पहले के जो 7 फंक्शन है वो हमने पढ़ लिए हैं एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द लॉगरिदमिक फंक्शन. ओके, आई होप यू रिमेम्बर दिस. ठीक है, शैल वी कंटिन्यू? या प्लीज कंफर्म. यस, ओके ओके, ठीक है, चलो. सो व्हाट इज लॉगरिथमिक फंक्शन? नाउ टू अंडरस्टैंड लॉगरिथमिक फंक्शन वी हैव फ्यू डेफिनेशंस. ओके, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 1. ओके, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 1, देन अ लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स बेस ए. ओके, सो सी हाउ आई एम रीडिंग दिस. लॉग एक्स बेस ए, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ए इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए रेस टू वाई. ओके, सो दिस इज द लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉग एक्स इज द लॉगरिथमिक फंक्शन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 इज डिफाइंड एज वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए विच इज इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म एंड ए रेस टू वाई इज इक्वल टू एक्स इज इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, सो लॉगरिदम आपने फिजिक्स में भी आई थिंक सीखा है. लॉग टेबल आपने सीखा रहेगा. या डू यू रिमेम्बर, हैव यू सीन द लॉग टेबल इन द फिजिक्स? यू नो द लॉगरिदमिक फंक्शन? ओके समीर, सूरज, डू यू रिमेम्बर? नो समीर, समीर डू नॉट रिमेम्बर लॉगरिथमिक फंक्शन. ओके आर्या, डू यू रिमेम्बर लॉगरिथमिक फंक्शन फ्रॉम फिजिक्स क्लास? सूरज रिमेम्बर्स. आर्या, कैन यू हियर मी? यू आर जॉइन लेट. Can you hear me? Why you people are not responding? Arya and Samir. Okay, Samir has responded. Arya is not responding. I think I'm not audible to her. What about Suraj? Okay. You don't know log table working. ठीक है. सो नो प्रॉब्लम. लॉग टेबल का वर्किंग आपको यहाँ पे पढ़ना भी नहीं है मैथ्स 2 में. ठीक है, आपको सिर्फ लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ना है कि जो हम लॉगरिदम बोलते हैं ना, सो व्हाट एग्जैक्टली इज लॉगरिदम? सो वी हैव टू सी दैट. ओके, सो सी लॉगरिदम को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं. वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ए. सी दिस फंक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट. वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ए
इज द लॉगरिथमिक फंक्शन और लॉग फंक्शन। सो इसका ग्राफ कैसा होता है? नाउ दिस फंक्शन इज लाइक सिमिलर एनी अदर फंक्शन, दैट मे बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन हमने देखा, क्यूब का फंक्शन देखा, इजंट इट? सो दिस फंक्शन इज लाइक एनी अदर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमने देखा है। सो देयर आर फ्यू सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। नाउ व्हाट आर दोस? सी, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस सेंटेंस और दिस टू फॉर्मूलाज टू रिमेंबर द लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, सी, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ए एंड विच कैन बी रिटन एज ए रिस टू y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, यहाँ पे लॉग के साइड में जो x है दैट इज द वैल्यू। ओके, और जो हम बेस ए बोलते हैं दैट बेस इज एक्चुअल बेस इन इन द राइट साइड यू कैन सी, एंड द y इन द लेफ्ट साइड, y इन द लेफ्ट साइड इज एक्चुअली द पावर ऑफ ए। ओके, ए रिस टू y इज इक्वल्स टू x, which is can be written like y is equals to log of x base a। see, ठीक है, so ये जो दोनों फॉर्मूलाज दिए हैं they are nothing but one and the same, so you have to remember this। ठीक है, so now we will see some properties of logarithm। as a raised to 0 is 1, a raised to 0 is 1, so log 1 base a is equals to 0। ठीक है, so देखिए यहाँ पे ए रेस टू जीरो दिया है राइट साइड में, यहाँ पे ए रेस टू वाई दिया है, मतलब वाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो है। कब जीरो है वाई की वैल्यू? जब जब ओके वाई की वैल्यू जीरो है कब? जब एक्स की वैल्यू वन है। सो लॉग वन बेस ए इज इक्वल्स टू जीरो होता है। एज ए रेस टू वन इज इक्वल्स टू ए, सो लॉग ए बेस ए इज वन। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। These properties may seem little difficult to you, but once you get used to all these things, then these properties are very easy to remember. Okay, so just go with it. Now we will go to the next property, that is, as a raised to x is equals to a raised to y, so that implies x is equals to y, isn't it? So log of x is equals to log of y. Now I will not read it as a log of x base a. So base a आप लोगों ने कंसीडर कर लेना है, मैं सिर्फ पढ़ूंगा log x is equals to log y, okay? So that it implies x is equals to y. Now product rule of logarithm. See, for a b c greater than 0. Now why they are greater than 0? Because if we are thinking about this particular function, okay, log of x base a की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें मैं लॉग जीरो कभी भी नहीं फाइंड आउट कर पाऊंगा। ओके, आई कैन नॉट फाइंड आउट लॉग जीरो। ओके, सो यू कैन फाइंड आउट द आंसर व्हाई आई कैन नॉट फाइंड आउट लॉग जीरो, बिकॉज अ कांस्टेंट रेस टू समथिंग, अ कांस्टेंट रेस टू समथिंग लाइक से ए इज अ कांस्टेंट एंड वाई इज रेस टू समथिंग कैन नेवर बी जीरो। मतलब अगर किसी कॉन्स्टेंट की पावर कुछ है, कुछ पावर है, सो दैट कैन नॉट बी जीरो एवर, कभी भी वो जीरो नहीं हो सकती। मतलब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, पता है? मान लीजिए कि ए की वैल्यू जीरो भी है, ए की वैल्यू जीरो है फॉर दिस फंक्शन ए इज जीरो एंड वाई की वैल्यू लेट अस सपोज टू है, सो जीरो रेस टू टू इज नॉट जीरो, जीरो रेस टू टू इज अनडिफाइंड, इजंट इट? जीरो रेस टू टू का कोई भी डेफिनेशन नहीं है एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। हाँ, टू रेस टू जीरो इज वन, दैट इज डिफाइंड, टू रेस टू जीरो इज वन, बट जीरो रेस टू एनीथिंग इज अनडिफाइंड। आई होप यू आर फैमिलियर विद दिस। ओके ओके ओके, गुड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो यू आर फैमिलियर विद दिस, या सो एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। सो इफ समबडी आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ जीरो, सो विच इज नॉट डिफाइंड, लॉग ऑफ जीरो की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। सो यहाँ पे हमें दिया है क्लियरली कि फॉर ए बी एंड सी ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू वन। ओके, सो लॉग ये जो यहाँ बेस में ए है उसको वन हमें नहीं रखना है। ओके, सो व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन इन द डेफिनेशंस दैट ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, इट शुड नॉट बी नेगेटिव और इट शुड नॉट बी जीरो आइदर और इट शुड नॉट बी वन ऑल्सो। सो दीज आर द क्राइटेरियाज वी हैव टू कंसिडर वेन वी टॉक अबाउट द बेस दैट इज ए। ओके, सो सी, नाउ वी आर सी लुकिंग फॉर द थर्ड प्रॉपर्टी, सॉरी। सो
log b मल्टीप्लाइड बाय c बेस a इज इक्वल्स टू log b बेस a प्लस log c बेस a। मतलब कि देखिए b और c मल्टीप्लाइड में है, उसका हमने log ले लिया बराबर। सो मल्टीप्लीकेशन को अगर हम स्प्लिट करेंगे लॉगरिदम में, सो इट विल बी लॉग बी प्लस लॉग सी। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन रूल ऑफ लॉगरिदम, अगर डिवाइड है लॉगरिदम में, देखिए लॉग बी डिवाइडेड बाय सी है, तो व्हाट वी कैन कंक्लूड, दैट इज लॉग बी माइनस लॉग सी आएगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए एडिशन, सी लॉग बी सी, बी और सी का मल्टीप्लीकेशन है, सो इट विल बी लॉग बी प्लस लॉग सी। एंड इफ इट इज डिवाइडेशन और लॉग बी डिवाइडेड बाय सी इज गिवन, देन लॉग बी माइनस लॉग सी इज करेक्ट। ठीक है, सो लाइक दिस। नाउ पावर स्लैश एक्सपेरिमेंट, सॉरी पावर स्लैश एक्सपोनेंट रूल ऑफ लॉगरिदम, सिमिलर कंडीशन इज देयर फॉर ए इज और ए बी सी आर ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 1, देन लॉग बी रेस टू सी, लॉग बी रेस टू सी इज इक्वल्स टू सी लॉग बी। सो वो जो रेस टू में सी था वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा लॉग लॉग के। ओके, सो दिस विल बी लाइक इट। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दीज थी थ्री प्रॉपर्टी, सो यू कैन राइट डाउन दीज प्रॉपर्टीज। ओके, सो राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग बी मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल्स टू लॉग बी प्लस लॉग सी, दिस इज द फर्स्ट वन। बेस लिखना मत भूलिए, बेस ए रहेगा, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और 1, वी कैन से ए कैन नॉट बी 1, इट कैन बी 0.99 और इट कैन बी 1.1, बट इट कैन नॉट बी 1। सो लॉग बी बाय सी इज इक्वल्स टू लॉग बी माइनस लॉग सी इज देयर। आफ्टर दैट लॉग बी रेस टू सी इज इक्वल्स टू सी लॉग बी। राइट डाउन दीज थ्री प्रॉपर्टीज एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स दैट यू हैव रिटन दिस। आई होप यू आर राइटिंग दीज फॉर्मूलाज, दैट्स वाई आई एम वेटिंग। ओके, आई एम कमिंग बैक टू द चैट बॉक्स। ओके, समीर एंड सूरज हैव रिटन, गुड। ठीक है, सो दीज फॉर्मूलाज आर फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, रिमेंबर दैट ऑल्सो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी। फॉर नेचुरल बेस ई, लॉग ऑफ एक्स बेस ई इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ एक्स एज नेचुरल लॉगरिदम फंक्शन। ठीक है, सो ई इज व्हाट हम लिखते हैं ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ई रेस टू एक्स बराबर। सो ई रेस टू एक्स यानी कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि हमें एक्स की वैल्यू पता होती है। ओके, अभी मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड आपको ओपन करके दिखाता हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। सी जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, या सी। सो हम क्या लिखते हैं, ई रेस टू एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग लिखते हैं बराबर। सो एक्स की वैल्यू तो हमें दी रहती है, एक्स की वैल्यू वेदर वेदर इट कैन बी 1, 2 और 3। नो बट व्हाट इज द ई, ई क्या है, ई का हमने एक ग्राफ भी देखा है। ओके, सो इफ यू रिमेम्बर, सो दिस वॉज द ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, एंड आई थिंक दिस वॉज द ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक दिस। ओके, सो दीज काइंड ऑफ ग्राफ्स वी हैव सीन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने देखा है। ठीक है, सो दिस ई इज नेचुरल बेस, इसे क्या कहा जाता है, नेचुरल बेस ई कहा जाता है। एंड इफ द नेचुरल बेस इज देयर इन लॉगरिदम, सी यहाँ पे लॉग ए था, ए इज अ कॉन्स्टेंट विच इज नॉट जीरो, विच इज ग्रेटर देन जीरो, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, सो इट कैन बी एनी वैल्यू। सो यहाँ पे e जो है, e इज ऑल्सो वन कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 2.7। आई थिंक दे हैव गिवन द वैल्यू हियर, इफ दे आर नॉट गिवन लेट मी जस्ट चेक। ओके, दे हैव नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ e। ओके, सो यू कैन कंसिडर इट एज अ वैल्यू ऑफ e इज 2.7
2.71 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, ई इज इक्वल्स टू 2.71, ओके 2.71 इज द वैल्यू ऑफ ई, एंड व्हेन वी राइट लाइक लॉग ऑफ एक्स बेस ई, देन दैट मींस वी आर राइटिंग नेचुरल लॉगरिदम। और नेचुरल लॉगरिदम को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम एल ओ जी ऑफ एक्स लिखने के अलावा, मतलब लॉग ऑफ एक्स लिखने के जगह पे हम क्या लिखते हैं, एल एन ऑफ एक्स लिखते हैं। सो हम यहाँ पे बेस भी नहीं लिखते और जो बीच ओ जी है वो भी हम नहीं लिखते, ठीक है। एल एन ऑफ एक्स दैट मीन्स इट इज अ नेचुरल लॉग, एन स्टैंड फॉर नेचुरल, एल एन नेचुरल लॉग, ओके। सो लॉग का जो ग्राफ रहेगा दैट इज लाइक दिस, सी दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सो एज यू कैन सी दिस ग्राफ इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी कैन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाउ इट इज सिमिलर, सी इफ आई फ्लिप द ग्राफ ग्राफ लाइक अपसाइड डाउन, सॉरी यस अपसाइड डाउन, सो इट विल लुक लाइक ग्राफ ऑफ व्हाट वी कैन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। दिस इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच इज इनवर्टेड वर्टिकली, ओके। सो लॉगरिथमिक फंक्शन में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बहुत ज्यादा समानता होती है, ओके। सो यू हैव टू कंसिडर दैट, एंड दैट रिलेशन इज गिवन टू अस लाइक सी हियर, ओके। सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन। इफ यू रिमेंबर दीज टू रिलेशंस देन देर इज नो एनी एग्जाम्पल दैट यू कैन नॉट सॉल्व, ओके। यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी एग्जाम्पल ऑफ लॉगरिदम एज वेल एज एक्सपोनेंशियल टर्म्स। सो प्लीज रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन लाइक वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए विच कैन बी रिटन एज ए रेस टू वाई। नाउ सी वेयर इज ए इज एट बेस, ए रेस टू वाई, वाई इज इन द लेफ्ट साइड, ए रेस टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ओके। सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर सेम, ओके, बट वी हैव रिटन देम डिफरेंटली। नाउ दिस इज अबाउट लॉगरिदमिक फंक्शन, ओके। फॉर ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इफ ए रेस टू एक्स इज इक्वल्स टू ए रेस टू वाई, देन एक्स इज इक्वल्स टू वाई, सो ए रेस टू एक्स इज वन वन फंक्शन। चेक ग्राफ फॉर हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, ओके। सो वी हैव सीन हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट की हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट में क्या होता है, अगर हम एक्स एक्सिस को पैरेलल हॉरिजेंटल लाइंस निकाले, ओके, इफ वी ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइंस दैट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इफ दीज लाइंस कट आवर ग्राफ और कर्व इन ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट, देन दैट फंक्शन इज वन वन फंक्शन, ओके। वी हैव सीन दिस टेस्ट, आई आई होप यू रिमेम्बर दिस, कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखी है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, सो व्हाट वी विल सी, वी विल सी इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स दैट ग्राफ ओनली वंस, ओके, मतलब ईच लाइन उस ग्राफ को कितने बार कट करना चाहिए, एक ही बार कट करना चाहिए, देन दैट फंक्शन इज वन वन फंक्शन। सो दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड फॉर द ग्राफ ऑफ एल एन ऑफ, सॉरी विच ग्राफ इज दिस, ओके, या दैट ग्राफ ऑफ, आई थिंक इट इज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। सो या हियर डोमेन ऑफ एल एन एक्स, एल एन एक्स इज 0 टू इन्फिनिटी एंड रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओके। सो रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी, 0 इज नॉट इंक्लूडेड हियर, 0 टू इन्फिनिटी में क्या है, इसकी डोमेन है और रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब कि हम इनपुट दे सकते हैं ओनली पॉजिटिव वैल्यूज एंड आउटपुट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। नाउ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, इफ ए इज ग्रेटर देन वन एंड जीरो इज स्मॉलर देन एम इज स्मॉलर देन एन, और वी कैन से एन इज ग्रेटर देन एम इज ग्रेटर देन जीरो, देन लॉग एम रेस टू, सॉरी लॉग एम बेस ए इज स्मॉलर देन लॉग एन बेस ए। यहाँ पे देखिए हम, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ओके। सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लॉगरिथमिक वेरी प्रॉपरली। ए इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो बेस दिया है हमें दैट इज ग्रेटर देन जीरो। सो इस केस में क्या होगा, अगर एम और एन में से जो छोटा रहेगा सो उसका लॉगरिदम भी छोटा रहेगा, जो बड़ा है उसका लॉगरिदम भी बड़ा रहेगा, लाइक एन इज बिगर हियर फॉर फर्स्ट कंडीशन, सो लॉग एन इज बिगर,
m is smaller, so log m is smaller, and m and n both are bigger than zero. Okay, they are not zero. So example is given like, say log 20 base 10 is smaller than log 30 base 10. Why this is possible, or we can say why this is happening? Because the base is greater than 1. Okay, jahan pe 10 likha hai na, that is greater than 1. 10 is absolutely greater than 1. Now let's come to the second question, second condition, that is if a lies between 0 and 1, that means it is not 0 and it is not 1 also, but it lies between them, then if n is greater than m and both are greater than 0, then log m is greater than log n. Okay, see the difference. Matlab a ki value jaise hi change hogi, so jo inequalities hai ya fir equalities hai yahan pe logarithm function mein, wo bhi change hoti hai. So this is dependent on the value of a. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो log 20 ही है, log 30 ही है, लेकिन log 20 यहाँ पे बड़ा है log 30 से. क्यों? क्योंकि यहाँ पे a की जो वैल्यू है दैट इज 0.1. ओके, सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट फंक्शन और द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज बिगर देन और ग्रेटर देन द सेकेंड फंक्शन. ठीक है, सो आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज. ओके, सो इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग आई नो, but you have to. Okay, Samir has left. Okay, Suraj and Arya, please tell me you're able to listen me. Yeah, okay, Suraj is understanding, good. See, these things are little complicated, thode se complicated ye cheeze hai, lekin ye cheeze aap jab practice karoge na, when you will practice once, twice, third time, then you will find these things easy. Okay, so आप पहली बार सीख रहे हो, 10th तक कभी आपने logarithm पढ़ा नहीं है, बराबर, आपने कभी exponential function नहीं पढ़ा है, so it will be little hard for you guys, but just keep practicing, stay focused, and it is nothing that hard. Okay, now let's see the third condition. For a and m is greater than 0, if a and m lies on the same side of the unity, that is 1, then log a m is greater than 0, that is, for example, log 3 base 2 is greater than 0, and log 0.5 base 0.3 is greater than 0. So yahan pe hame ek inhone trick batayi hai thodi si, ki a or m अगर दोनों एक साइड में ही रहते हैं, एक साइड में यानी कि क्या, हम 1 को एक्सिस मान रहे हैं, मतलब कि दोनों भी 1 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं, या फिर दोनों भी 1 से बड़े हैं. ओके, दोनों भी 1 से बड़े हैं, सो इन दैट केस दैट लॉगरिथम विल बी ग्रेटर देन 0. ओके, दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, और वी कैन से इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, रिमेंबर दिस. लेकिन अगर यहां पे मैं लिख दूं, सी यहां पे आप देख लीजिए, log base 2 3 या फिर log 3 base 2 is greater than 0 है, लेकिन यहीं पे इसी को मैं अगर modify कर दूं थोड़ा सा, see now I am going to the whiteboard so that I can show you. log, मैं यहाँ पे base पे 2 था ना, तो base पे 2 की जगह पे मैं यहाँ पे 0.2 कर दूंगा, and 3. okay, sorry, so that is going to be less than 0, or it is going to be negative. So this value can be negative. Okay, this value can be negative, but this cannot be negative. Samajh rahe ho? This value cannot be negative. This is going to be negative. Why? Because yahan pe base jo hai wo point form mein hai, aur jo hamara operator hai jise hum kehte hain 3, so wo ek complete number ke form mein hai, that is not in the point form. Similarly, if I write like this, log base 5 0.3. 0.3 is operator now here. Okay, so again it is going to be less than 0. Similarly, so I hope you are understanding this. Okay, now let's go to the next part. For a and m is greater than 0, if a and m lies on the different side of unity, then log of m raised to a is
ग्रेटर देन जीरो, हाउ इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो? ओके या सी, मतलब अगर सी लॉग 0.2 बेस में है और 3 ऑपरेटर है तो वो रहेगा नेगेटिव, लेकिन लॉग 0.2 बेस 3 है तो अगेन इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। जो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको लिख के दिया था ना, उसकी लॉग 0.5 बेस पे रहेगा और ये जो 3 रहेगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 0, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0 और इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सॉरी आई मेड अ मिस्टेक लास्ट इन द लास्ट एग्जांपल। ओके नाउ राइट लॉग 72 इन टर्म्स ऑफ log 2 and log 3. Okay, now see, for such type of examples, log 72 is given, isn't it? So log 72 के लिए हमें क्या consider करना है? What the base should be there? Base should be 10. Okay, base is 10. We have to consider that. अगर log का कोई हमें base नहीं दिया है, so by default its base is 10. अगर ln दिया है, ln of x दिया, या फिर यहाँ पे ln of 72 दिया रहता, तो we will consider that the base is e, that is 2.71. Now what is the question? Question is write log 72 in terms of log 2 and log 3. Now how we can write like this? See, log 72, log 2 raised to 3, that is 8, and 3 raised to 2, that is 9. So 8 9 becomes 72. So 72 को हमने फैक्टराइज कर दिया यहाँ पे 2 क्यूब और 3 स्क्वेयर के फॉर्म में हमने लिख दिया। नाउ वी नो द मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी और पावर रूल, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, लॉग 2 रेस टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस टू 2 कैन बी रिटन एज लॉग 2 रेस टू 3 प्लस लॉग 3 रेस टू 2। ओके सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द सेकेंड स्टेटमेंट। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल हमने यूज किया है। नाउ इन द थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज पावर रूल इज अप्लाइड देयर। लॉग 2 रेस टू 3 अगर है तो हम 3 को यहाँ पे साइड में ला सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में लॉग के, सो 3 log 2 बन जाएगा। सिमिलरली फॉर द सेकेंड टर्म प्लस 2 log 3 बन जाएगा। सो वॉट वी हैव डन, वी हैव रिप्रेजेंटेड लॉग 72 इन टर्म्स ऑफ लॉग 2 एंड लॉग 3। This is the easiest example. Okay, and I think you should not be having any problem while understanding this. ठीक है, चलिए। So मुझे बताइए, I have to come to the chat box to see the your response. Okay, good. बताइए, चलिए। समझ रहे हो, सुनाई दे रहा है मेरे आवाज सबको? ओके आर्या, ओके गुड, चलो। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ एग्जांपल 12, इवेल्युएट एल एन e रेस टू 9 एंड एल एन e रेस टू 4। यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन है, सो हाउ वी कैन राइट लाइक दिस? सी एल एन e रेस टू 9 है तो एल एन e रेस टू 9 को हम लिख सकते हैं लॉग e बेस e रेस टू 9। ठीक है, एल एन को क्या लिख दिया हमने? लॉग e लिख दिया। सो सी जो 9 है वो कहाँ पे आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो व्हाट इट बिकम्स? 9 log e base e माइनस 4 log e base e। 4 जो है 4 भी नीचे आके यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ गया पावर रूल के हिसाब से। ओके सो लॉग ई और लॉग ई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा है ना लॉग ए बेस ए होता है 1, लॉग 10 base 10 होगा 1, लॉग एक्स बेस एक्स होगा 1, लॉग 100 base 100 भी होगा 1। सिमिलरली लॉग ई बेस ई होगा 1। तो दोनों जगह पे लॉग जो है वो 1 बन गया। सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 5। वेरी इजी, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके सिंपल कैलकुलेशंस आर देयर।
नाउ एक्सपेंड लॉग, अभी एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले मुझे बताइए कि व्हाट वी विल डू. सी लॉग ऑफ सम टर्म इज गिवन देयर एंड दिस टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी कैन से डिवीजन. यहाँ पे एक न्यूमिरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, सो वी कैन यूज द क्वोशेंट रूल. हाउ वी कैन यूज द क्वोशेंट रूल, लॉग एक्स डिवाइडेड बाय वाई कैन बी रिटन एज लॉग एक्स माइनस लॉग वाई. सी लॉग एक्स माइनस लॉग वाई यहाँ पे लिख दिया, मतलब एक्स मैंने माना जो ऊपर का न्यूमिरेटर टर्म है दैट इज माई एक्स एंड द डिनोमिनेटर टर्म इज वाई, सो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय यूजिंग क्वोशेंट रूल. नो क्वोशेंट रूल को यूज करने के बाद में भी आप अगर इस टर्म को देखेंगे सो इसमें लॉग एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री दिया है. एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस थ्री, एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री दिया है ना. सो अगेन वी कैन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल हियर. सो आफ्टर अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल यहाँ पे क्या आया देखिए, लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस थ्री, मतलब इसको हमने फिर से थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया. सिमिलर फॉर सेकेंड टर्म. नाउ फिर से पावर रूल यूज करेंगे हम फॉर फर्स्ट टर्म. लॉग एक्स क्यूब को अगर हम पावर रूल यूज करेंगे सो थ्री लॉग एक्स आ जाएगा. सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पे कोई भी पावर है नहीं सो इट विल बी एज इट इज एंड ऑल अदर टर्म्स एक्सेप्ट द लास्ट टर्म विल बी एज इट इज. सी यहाँ पे लॉग, सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टर्म, लॉग एक्स माइनस फोर रेस टू टू है सो टू जो आएगा यहाँ पे नीचे सो इट विल बिकम टू लॉग एक्स माइनस फोर. यहाँ पे जो माइनस का सिंबल दिया है दैट इज बाय मिस्टेक गिवन, इट इज प्रिंट मिस्टेक. ओके सो या इट शुड नॉट बी देयर आई थिंक, और इफ इट इज देयर यू कैन सी इट. ओके चलो नाउ सिंपल अलजेब्रा इज देयर. हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन रूल यूज किया, प्रोडक्ट रूल यूज किया, उसके बाद में पावर रूल यूज किया, मतलब कि जितने कुछ रूल्स हम यूज कर सकते थे लॉगरिदम के यूज कर दिए और गिवन फंक्शन को या फिर गिवन इक्वेशन को हमने एक्सपांड कर दिया यहाँ पे. नाउ कंबाइन, सी अभी कंबाइन करने के लिए बोल रहे हैं. थ्री एल एन इन ब्रैकेट पी प्लस वन माइनस वन बाय टू एल एन आर प्लस फाइव एल एन इन ब्रैकेट टू क्यू प्लस थ्री इंटू सिंगल लॉगरिदम. तो यहाँ पे तीन लॉगरिदम दिए हैं, नेचुरल लॉग है तीनों भी, तो तीनों को हमें क्या करना है सिंगल में कन्वर्ट करना है. सो कैसे कर सकते हैं, पहले दोनों के लिए हम क्वेश्चन टूल यूज करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन रूल यूज करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू यूज द व्हाट वी कैन से पावर रूल. यहाँ पे थ्री एल एन पी प्लस वन जो है हम इसको लिख सकते हैं एल एन पी प्लस वन रेस टू थ्री. सिमिलरली फॉर द सेकेंड टर्म वन बाय टू जाएगा आर के पावर में सो एल एन आर रेस टू वन बाय टू होगा. प्लस फाइव जाएगा टू क्यू प्लस थ्री के पावर में सो एल एन टू क्यू प्लस थ्री पावर फाइव बना. नाउ क्वेश्चन रूल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज क्वेश्चन रूल किस लिए यूज करेंगे, इन दो टर्म्स के लिए. सी दीज टू टर्म्स आर इन सब्ट्रैक्शन, लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई यहाँ पे दिया है सो वी कैन राइट लॉग एक्स बाय वाई. ओके आर रेस टू वन बाय टू मीन्स रूट ऑफ आर सो पी प्लस वन रेस टू थ्री डिवाइड बाय आर क्यूब एंड इट्स नेचुरल लॉग प्लस द थर्ड टर्म इज एज इट इज. ओके सो कंफ्यूजन की एक और बात आपके मन में हो सकती है कि सर यहाँ पे एल एन दिया है सो शुड वी ट्रीट एल एन स्पेशली. ओके नो नीड टू ट्रीट इट स्पेशली बिकॉज एल एन में और लॉग में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि लॉग का जो बेस है वो कुछ भी हो सकता है, एल एन का बेस हमेशा नेचुरल बेस रहता है दैट इज ई, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है. ओके एल एन एंड लॉग आर वन एंड द सेम सो ऑल द रूल्स लाइक प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल या फिर पावर रूल, ऑल द रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर लॉगरिदम एज वेल एज नेचुरल लॉगरिदम एल एन एज वेल एज लॉग एक्स. ओके और लॉग, सो अगेन वी कैन यूज प्रोडक्ट रूल. सी दीज टू लॉगरिदम्स आर इन एडिशन हियर सो हाउ यू कैन राइट दीज लॉगरिदम इन अ सिंगल टर्म, जस्ट मल्टीप्लाई द बोथ, मल्टीप्लाई
the both terms. So by using product term, we are multiplying the operator terms. Okay, so we have combined the logarithmic function here. So ln p plus 1 raised to 3 divided by r square root of r multiplied by 2q plus 3 raised to 5. Okay, so this is how we have combined the three logarithms. Okay, so now I'm coming back to the chat box to see if there is any kind of doubt or problem you people have. How root r? Okay, theek hai. Okay, that's the doubt from Suraj. How root r? Okay, see Suraj, yahan pe second term mein dekho. See in the second term, ln r raised to 1 by 2 is there. R raised to 1 by 2. So anything raised to 1 by 2 means it is the square root of that term. Okay, matlab us term ka hum square root nikal rahe hai. 1 by 3 agar hum likhenge, to it is cube root of that term. Okay, if I write like 16 raised to 1 by 2, that means I am writing actually 4 square root of 16. So 1 by 2 jahan pe raised to rahega, so wahan pe hum root lenge us particular quantity ka. Yahan pe r ke power mein 1 by 2 hai, that's why we have taken the square root. Okay, I hope this satisfies your query. Okay, good. Theek hai. So if 1 by 3 is there, then it will be cube root. If it is 1 by 4 is there, it will be fourth root of that particular number, like this. Okay, remember this also. Now find the domain of ln x minus 5. Now what is means by domain? Domain means the range of values or range of inputs that we can apply or we can give to the function. Matlab ki hame yahan pe kya karna hai? We have to just find the value of x. कि x की वैल्यू की रेंज जिसे कि हम एक्चुअल में डोमेन कहते हैं कि हम पुट कर सकते हैं उसे, सो दैट वी विल हैव अ वैलिड आउटपुट. सो दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन. सो यहां पे हमें फंक्शन दिया है ln x minus 5. सो अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 5 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? 5 minus 5 0 हो जाएगा, एंड वी नो दैट ln ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड. ln of 0 is not defined. Barabar. So we cannot put 5. If I put 4 here, x is equals to 4 if I put. So 4 minus 5 becomes minus 1, and ln of negative numbers is also not present. Negative number ka log bhi present nahi hai, nahi kiya ja sakta. Okay. So the value of x minus 5 should be always positive. So how it can be positive? If the value of x is greater than 5, always, if the value of x is greater than 5, then the value of function like x minus 5 is going to be always positive. For example, x is equals to 6 is there. So 6 minus 5 becomes 1, and ln of 1 is present. We can calculate that. So the domain becomes 5 to infinity. Matlab 5 se leke, 5 ko chhodke. Okay. From 5.1, we can put any value of x. 5.1 se leke, koi bhi value hum put kar sakte in the positive direction. Till infinity. So this is the domain. Okay. Quite easy question. Just we have to just observe the question, what it is asking for. Okay. Basic concept is there. Domain find out karna. So domain kis tarah se find out karenge hum? Domain find out karne ke liye, we have to put the values of x such that we should get a valid output. Hame kuch na kuch valid output milna chahiye, ya fir us particular function ka us value pe kuch output define hona chahiye. So ln of 0 was not defined. So we rejected the value of x is equals to 5. X is equals to 5 हमने नहीं लिखा. X is equals to 4 भी acceptable नहीं है.
लेकिन 5 से अगर कोई भी बड़ी वैल्यू है, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, देन आवर फंक्शन गिव्स वैलिड आउटपुट वैल्यूज, इट हैज समथिंग टू गिव, और इट हैज सम मीनिंग. सो दिस इज द डोमेन. ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डोमेन. नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर. लेट्स नोट नाउ, रिमेंबर दीज थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई. ओके, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई अगर हम लिख रहे हैं, सो दैट डज नॉट मीन वी कैन स्प्लिट एक्स एंड वाई, लाइक लॉग एक्स एंड लॉग वाई. लॉग एक्स प्लस लॉग वाई कब होगा? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई तभी होगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई तभी होगा जब इट इज गिवन लॉग एक्स वाई. प्रोडक्ट रूल ध्यान रखिए, लॉग इज इक्वल लॉग एक्स वाई दिया है तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बनेगा, और लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग वाई लिखा है इन लाइक इन द सेकेंड सेंटेंस, सो दैट डज नॉट मीन और दैट इज नॉट इक्वल्स टू लॉग एक्स वाई, जो कि हमने सीखा है. यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए या फिर कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए हमें यहाँ पे ये स्पेसिफाई करके दिया है कि लॉग एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई. सिमिलरली लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग वाई इज नॉट इक्वल्स टू लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स डिवाइड बाय लॉग वाई इज नॉट इक्वल्स टू लॉग एक्स बाय वाई, एंड लॉग एक्स रेस टू एन इज नॉट इक्वल्स टू एन लॉग एन. ओके, एन लॉग एन नहीं हो सकता. सो रिमेंबर दिस फोर क्वांटिटीज, और यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस एज वेल इफ यू रिमेंबर प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल एंड पावर रूल. इफ यू रिमेंबर दिस थ्री रूल्स प्रॉपरली, देन यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स. ओके, दिस थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दिस थिंग्स आर गिवन जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. नाउ चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज चेंज ऑफ बेस फॉर लॉगरिथम फंक्शन? सो सी, लॉगरिथम इज डिफाइंड लाइक लॉग एक्स बेस ए. सी फॉर हियर, लॉग एक्स बेस ए हम इस तरह से लिखते हैं. सो फॉर ए एंड एक्स एंड बी आर ग्रेटर देन 0 एंड ए एंड बी आर नॉट इक्वल्स टू 1, देन लॉग एक्स बेस ए कैन बी रिटन एज लॉग एक्स बेस बी डिवाइडेड बाय लॉग ए बेस बी. सो आप देखिए कि कौन सा टर्म कहाँ पे आ गया है. लॉग एक्स बेस ए था तो लॉग एक्स ऊपर रहा, लॉग ए नीचे आया. ठीक है, देखिए लॉग एक्स ऊपर रहा, लॉग ए नीचे आया. ये ए पहले बेस में था तो उसका ए हो गया, लॉग ए हो गया, और उन दोनों का एक सेम बेस हो गया, दैट इज बी. एंड ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल्स टू 1. नाउ व्हाई दे आर नॉट इक्वल्स टू 1, यू कैन जस्ट ट्राई एट होम कि क्यों नहीं हो सकता. जैसे कि मैंने आपको 0 की एनालॉजी बताई कि लॉग 0 इज वाई वाई नॉट प्रेजेंट, और इसकी वैल्यू क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्यों हमें लॉग 0 की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया कि इस वजह से हम लॉग ऑफ 0 नहीं फाइंड आउट कर सकते. सो सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट वाई ए एंड बी और द बेस शुड नॉट बी 1. ट्राई इट एट होम. ओके, बेस क्यों नहीं 0 हो सकता? अगर आप यहाँ पे लॉगरिदम पे थोड़ा सा सोचेंगे तो फिर आपको आंसर मिलेगा. ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट सी एनी डाउट, इज देयर नो डाउट? ओके गुड. चलो, सो चेंज ऑफ बेस में आपने देखा लॉग एक्स बेस ए को हम लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस बी डिवाइडेड बाय लॉग ए बेस बी. सिमिलरली इट कैन बी रिटन लाइक लॉग एक्स डिवाइडेड लॉग एक्स बेस ए कैन बी रिटन लाइक लॉग एक्स बेस एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए बेस एक्स और इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लॉग ए बेस एक्स. मतलब लॉग एक्स बेस ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय लॉग ए बेस एक्स. सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द बेस. ओके, वी आर चेंजिंग द बेस हियर. नाउ इवेल्युएट लॉग 81 बेस 4 डिवाइडेड बाय लॉग 9 बेस 4 बाय चेंज ऑफ बेस लॉ, एज द बेस इज सेम, दैट इज 4, दैट इज लॉग. ओके, लॉग 4 यहाँ पे बेस सेम है तो जो लॉग 9 है
वो लॉग 9 कट हो जाएगा और यहाँ पे बेस में 9 आ जाएगा. सो लॉग 81 बेस 9 इज इक्वल्स टू 2 होगा. नाउ व्हाई इट इज इक्वल्स टू 2, क्यों बताइए? बिकॉज हमने एक, मैंने आपको आइडेंटिटी दी थी, सी लॉग 81 बेस 9 है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करनी है? सो इफ वी आर कंसीडरिंग लाइक सी लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू वाई, अगर अगर हम बोल रहे हैं. सो यहाँ पे एक्स है 81, वाई है 2 और ए है 9. लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू वाई की मैं बात कर रहा हूं. इसी को हम अलग फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ए रेस टू वाई इज इक्वल टू एक्स. सो ए इज 9, रेस टू वाई इज इक्वल टू 2, दैट इज 9 रेस टू 2, एंड दैट इज इक्वल टू 81. मतलब कि log 81 बेस 9 इज इक्वल्स टू 2. सो इस तरह से इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे होता है. ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, एंड आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर टुडे. इट इज अराउंड 7:50 PM. ओके, सो आप लोग एक बार बताइए, समीर और सूरज, कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका आइडिया आ गया है लॉगरिदम का, कि एग्जैक्टली लॉगरिदम के साथ हमें कैसे डील करना है. ओके, या फिर बिल्कुल भी नहीं समझ में आया? ओके, ये आप लोगों ने यस लिखा है, इसका मतलब आप लोगों को लॉगरिदम का आइडिया आया है. सो व्हेन यू विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट क्लास, प्लीज मेक श्योर यू रिवाइज ऑल द थिंग्स. ओके, यू रिवाइज लॉगरिदम ऑल द फंक्शंस, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीटली, एंड मोस्ट ऑफ द आंसर्स शुड कम फ्रॉम यू. ओके, अगर मैं कोई फॉर्मूला पूछता हूँ, कुछ भी पूछता हूँ, सो यू शुड आंसर, सर वी शुड यूज दिस ट्रिक हियर. ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व द कंप्लीट प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज. सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टिल देन बाय बाय. चलो, हैप्पी दिवाली एंड टेक केयर. या बाय बाय.